आदिल कॉन्सेप्ट क्लास है जयपुर से। और स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर 30 सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड, जो कि इस साल 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी हमने ये सीरीज़ चलाई थी। इस सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम से मिले थे। ठीक उसी तरह इस साल हम सबसे पहले एपिसोड जो सुपर 30 सीरीज़ का लेके आए हैं, वो लेके आए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स। बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, ये है क्लास 10 साइंस का। स्टूडेंट साइंस में ऑल चैप्टर्स हैं, सारी सभी चैप्टर्स के वो वाले क्वेश्चंस बताऊंगा जो बार 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 CBSE में रिपीट होते हैं, और आपको उसको अच्छे से करना है। ठीक है, आपको उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये पूरा एपिसोड ज़रूर देखना, जिसमें वो 30 क्वेश्चन है जो बार 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 रिपीट हुए हैं। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो 3 बार भी रिपीट हुए हैं, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2 बार ही रिपीट हुए हैं, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो 4 बार भी रिपीट हुए हैं। तो बार 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 रिपीट हो रहे हैं। पिछले 15 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार 15 साल के अंदर अंदर, उन सभी को एनालाइज करके हमने आपके लिए एक सुपर 30 सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड बनाया है, जिसमें हम बताएंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट एपिसोड से। ठीक है, उससे स्टार्ट करने से पहले आप हमें प्ले स्टोर पर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, उस पर आप ऑनलाइन एग्जाम्स भी दे सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, MCQ की तैयारी करना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट को सर्च करके प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ऐप दिखेगी आपको, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे जो व्हाइट उसमें लिखा हुआ है वो बता रहा है कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में लिखा हुआ है ए स्टूडेंट फोकस द सन रेज यूजिंग एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है एक्स ऑन ए स्क्रीन एस, ये स्क्रीन है एस। फ्रॉम दिस इट मे कंक्लूडेड दैट डिवाइस एक्स इज ए डिवाइस एक्स क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है रे आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है। इनफाइनाइट से आके जब इस जो भी डिवाइस है, इस डिवाइस से जो है फोकस हो रही है स्क्रीन के ऊपर, यानी सारी रेस को जो है फोकस कर दिया उसने स्क्रीन के ऊपर। इसका मतलब ये क्या है, ये एक लेंस है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ जो है, क्योंकि ये जो है यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यही इसकी फोकल लेंथ होगी। तो 20 सेंटीमीटर ही फोकल लेंथ है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, क्वेश्चन नंबर टू में है द स्टडी फॉलोइंग डायग्राम द सेलेक्ट करेक्ट स्टेप। बहुत बार आ चुका है स्टूडेंट ये। ठीक है, पिछले 15 साल में ये 3 बार आ चुका है, तो उससे पहले कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये पिछले साल के पिछले साल भी आया था शायद, एक क्वेश्चन इसी टाइप का था वो। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस एक्स। इस एक्स के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट से अगेन रे आ रही है, और ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, एक पॉइंट पे जा रही है फोकस पे। ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जा रही है। अब एक डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में स्टूडेंट, इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था। देखो यहाँ पे लेंस जो है, लेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिरर है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है। तो कब होता है ऐसा, जब रिफ्लेक्ट फोकस जो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाए, ठीक है, इन्फाइनाइट से आ रही है, वो होता है कॉनकेव मिरर के जो केस में होता है। तो इसका मतलब ये जो डिवाइस एक्स है वो क्या है, कॉनकेव मिरर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है CBSE, ये 2015, 16 और 17 में है। इससे पहले वाला क्वेश्चन स्टूडेंट 13, 14, 15 में आया था। ठीक है, कंटिन्यू आया था, है ना, ये 15, 16, 17 कंटिन्यू आया है, एक हर साल कंटिन्यू आया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। द करेंट सिक्वेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ कॉमा एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट शोज इन द फॉलोइंग डायग्राम बाय 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा नंबर का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला 2 वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस है स्टूडेंट ये वाला, जो बाहर जब रे बाहर निकल रही है इस मीडियम से होके, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो है 1 वाला।
ठीक है। उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल रिफ्रैक्शन है, मतलब रे जानी चाहिए थी ऐसे लेकिन जा रही है ऐसे, तो ये जो एंगल बनेगा ये रिफ्रैक्शन का बनेगा। तो थर्ड वाला जो है 213, और फोर्थ वाला क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ये जो रे हो रही है रिफ्रैक्ट हो रही है उस, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा डी, 213, 4। ठीक है। तो कई बार कई बोर्ड एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट पूछा गया है, कई बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको अच्छे से देख के करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फोर है स्टूडेंट, इन द फॉलोइंग रे डाइग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल आर, ठीक है, ये रे डाइग्राम दिया हुआ है, इसमें करेक्टली मार्क करना है आपको, ठीक है। ये आया था 2016 और 17 दोनों में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, जो पेपर्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के, वो हर रीजन में अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो सारे रीजन्स के पेपर हमने इकट्ठे करके उसमें से निकाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक हो सकता है आपके पास जो पेपर हो वो उस रीजन का ना हो जिस रीजन में ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्वेश्चंस आए थे, फॉरेन में भी आए थे, फॉरेन के पेपर्स के भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है और उसी को आपको बताया है। ओके, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल, करेक्ट मार्क करना है आपको एंगल कौन सा है करेक्ट है इसमें, इसमें डी वाला करेक्ट है। सबसे पहले जो है एंगल आर, ठीक है, एंगल ए और एंगल डी, एंगल आर, ठीक है, फिर एंगल ए और फिर एंगल डी, ठीक है, ये करेक्टली मार्क्ड एंगल्स हैं, बाकी गलत है। ओके ठीक है स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? व्हाट डज एचआईवी स्टैंड फॉर? ये 2011 में भी आया है, 2012 में भी आया है, ठीक है। एचआईवी की फुल फॉर्म, ठीक है, एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस, ठीक है। इज एड्स एन इन्फेक्शस डिजीज? यस, एड्स जो होते हैं वो इन्फेक्शस डिजीज होता है, लेकिन लेकिन जो है जो एड्स होता है वो बाय एयर, बाय वाटर, बाय टच करने से नहीं फैलता है। लिस्ट फोर मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स, फोर मोड बताने जिसके थ्रू एड्स फैल सकता है। तो एक तो सेक्स के थ्रू एड्स फैल सकता है, चाहे वो वेजाइनल हो चाहे ओरल हो, विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एचआईवी। अगर कोई पर्सन एचआईवी से एचआईवी पॉजिटिव है और किसी और अगर सेक्स कोई सेक्स कोई पर्सन सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गया उसमें, तो फिर वो एचआईवी या एड्स से जो है स्प्रेड हो जाएगा, एड्स फैल जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद मदर टू बेबी, अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो बेबी को भी हो सकता है, क्योंकि या तो बर्थ के साथ ही हो जाएगा या मिल्क फीड करते टाइम हो जाएगा, या फिर किसी ब्लड के कोई किसी का जो ब्लड है उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे अंदर चले गए हों ब्लड के थ्रू, ठीक है, तो वो भी उस टाइम भी एचआईवी पॉजिटिव होने का खतरा रहता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आया 2012, 2014 और 2017 के अंदर। यहाँ पूछा है व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, व्हाई इज रीयूज कंसिडर बेटर इन कंपैरिजन टू रीसाइकिल? रीसाइकिल कंपैरिजन में रीयूज को क्यों बेटर माना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, 2012 में भी हुआ है, 14 में भी हुआ है, 17 में हुआ है, हो सकता है 21 में भी हो जाए, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ द मैनेजमेंट डेट प्रोमिसेस द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? हम नेचुरल जो रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं, जो हम ह्यूमन नीड्स के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है हमें, उनको बचा के रखना, ठीक है, उनको ऐसे ऐसे मैनेज करना कि जो आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है, वो भी उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो हम रीसाइकलिंग की जगह रीयूज़ का प्रोडक्ट रीयूज़ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम किसी भी मटेरियल को या कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसको जब अपन रीयूज़ करते हैं, तो रीयूज़ करने में जो है एनर्जी और मनी वो खर्च नहीं होती है, जबकि जब जब अपन रिसाइकिल करते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी खर्च होती है और पैसा भी लगता है। तो इसलिए जो रीयूज़ है उसको बेटर माना गया है रिसाइकिल के कंपैरिजन में। ओके, तो यही आंसर इसमें लिखा है, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से पढ़ के और फिर इसको याद कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में व्हाई शुड
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिस्कार्डेड इन टू सेपरेट डस्टबिन्स। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट डस्टबिन्स में क्यों रखा जाता है? ठीक है, क्यों रखा जाता है? जो ताकि टाइम बचे, एनर्जी बचे, और जो वेस्ट हो, जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसे क्विकली जो है डिस्पोस्ड कर दिया जाए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको अलग अलग रखते हैं। 13 में भी आया था क्वेश्चन, 15 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4Be, 9F, 19K और 20 कैल्शियम। ठीक है, ये जो है आपको दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, 4Be, ये 4 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसमें सही ऊपर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है। तो 4Be, 9F, 19K और 20Ca, ठीक है, एटॉमिक नंबर है ये सारे। द एलिमेंट हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, वो ऐसा कौन सा इनमें से एलिमेंट होगा? वो एलिमेंट होगा स्टूडेंट पोटेशियम, क्योंकि पहले पहले शेल में आएगा 2, सेकंड में आएगा 8, ठीक है, फिर थर्ड में आएगा 8। ठीक है, तो 2, 8, 10 और 8, 18 और एक बचेगा 19। तो 19 जो है आउटर मोस्ट शेल में रहेगा, तो इसीलिए जो है पोटेशियम यानी के जो है वो होगा आउटर, वो होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद टू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट कौन से हैं? बी ई और कैल्शियम है, जो सेम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और KCl जो होता है इन द सेम ग्रुप, BE एंड CA सेम ग्रुप में आते हैं। अगर के साथ कोई सा भी एलिमेंट हो, KCl वगैरह, ये सब एक ही एलिमेंट में, एक ही ग्रुप में आते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूछा है। तो 2015 में भी आया था, 18 में भी आया था। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखिए, रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो अपना एंगल चेंज करती है। ठीक है, वो एंगल को हम जब चेंज करती है तो कितना चेंज करती है, उससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, राइट एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन भी लिखना है, एक्सप्रेशन ये लिखा है NA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इक्वल्स टू सी अपॉन वी ए। ठीक है, यहाँ पे जो सी है वो क्या है स्टूडेंट, वो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसमें आगे पढ़ो बी वाले में, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस लिख दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी आर 2.0 एंड 1.5 रेस्पेक्टिवली, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में आपको निकालना है। ठीक है, तो वैक्यूम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन जो भी है आपके पास एन बी है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए और एन बी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, तो हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी अपन को मीडियम ए में निकालना है, तो यहाँ पे भी अपन को जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया। तो ये है इसका आंसर करेक्ट, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम आपको बनाना है खुद। ठीक है, हमने यहाँ बनाया नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई द सन अपीयर्स रेडिश एट द सनराइज एंड सनसेट, रेडिश क्यों हो जाता है सनराइज और सनसेट में। तो मैं इसका सिंपल से बता देता हूँ, क्योंकि अर्थ से और सूरज की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, तो लाइट जो है पूरी लाइट कम्प्लीटली लाइट यहाँ ट्रेवल होके नहीं आ पाती, सिर्फ लाइट में रेड लाइट, रेड वेवलेंथ वाली लाइट्स जो होती है वो ट्रेवल कर पाती है, क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी दूर तक होती है। तो हमें सिर्फ रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ हमारे आंखों तक ट्रेवल करके जा रही है। तो यहाँ लिखा है मोस्ट ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट आर स्केटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, जो ब्लू लाइट होती है या फिर शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो होती है वो स्केटर्ड हो जाती है, और जो लार्जर वेवलेंथ वाली होती है वो हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। लार्जर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, इसलिए हमें दिखाई देता है कि सूरज जो है वो रेड कलर का है। ठीक है, मतलब रेडिश दिखाई देता है, चाहे वो राइज होता हो या फिर वो सेट होता हो, दोनों टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 11, 2014-15 दोनों में आया है।
राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ सेकेंड मेम्बर ऑफ होमोलोजियस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू। ठीक है, तो यह होमोलोजियस सीरीज, सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड विद द रेगुलरली वेरिंग चैन लेंथ एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप के होते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखना है आपको, तो एन की जगह आपको यहाँ वन, पहले वन पुट कर दो तो फार्मूला लिख लो, फिर टू पुट कर दो फार्मूला लिख लो, तो ये होमोलोजियस सीरीज के मेम्बर्स होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी एच थ्री, यहाँ पे वन रखा है अपन ने, सी एच थ्री सी एच ओ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, ये हो जाएगा सेकेंड। टू कंजर्वेटिव मेम्बर्स हैं होमोलोजियस सीरीज के एल डी हाइट के। ठीक है, ओके, तो ये आप इसको पढ़ लेना क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में राइट द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स है एंड व्हाट आर दीज कॉलम्स कॉल्ड। ठीक है, तो कितने जो है वर्टिकल कॉलम्स, 18 जो है ग्रुप्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, और वर्टिकल कॉलम्स भी कितने हैं, 18 है। ठीक है, तो इन केमिस्ट्री ए ग्रुप इज़ अ कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल, दे आर 18 नंबर ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल बट एफ ब्लॉक कॉलम्स बिटवीन 2 एंड 3 आर नॉट नंबर्ड, बट एफ वाला जो है कॉलम्स उसे नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन टोटल कितने होते हैं, 18 लिख के आने हैं आपको वहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई आर द फॉरेस्ट कंसिडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो फॉरेस्ट आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बिकॉज दे कंटेन हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी दैट आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। ठीक है, आगे क्या लिखा है, लिस्ट टू वेज इन द इंडिविजिबल कैन इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दो वे बताने हैं आपको, वन शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन रुकना चाहिए, वन शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो शिकार होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के शिकार करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको हंटिंग नहीं होनी चाहिए वाइल्ड एनिमल्स की। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट। जो एक्चुअल सनसेट होता है और जो अपेरेंट सनसेट होता है इनके बीच में 2 मिनट का फ़र्क होता है। ठीक है, यानी जहाँ जो सनसेट हमें दिखाई दे रहा है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, 2 मिनट जब जो पोजीशन 2 मिनट बाद होगी वो हमें जो है जो पोजीशन 2 मिनट बाद होगी वो हमें पहले ही जो है दिखाई देती है, या 2 मिनट पहले होगी तो वो हमें पहले ही दिखाई देगी, तो आपको डायग्राम से बताना है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट, एक्चुअल में जो अपेरेंट पोजीशन है हमें सन जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सन यहाँ था तो यहाँ से जो लाइट रे आ रही है अर्थ तक ट्रेवल होके, इसको यहाँ तक आने में, लाइट रे को आने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो लाइट ट्रेवल करते करते 2 मिनट लग जाते हैं यहाँ तक हमारी आँखों तक पहुँचने में, तो 2 मिनट बाद जो है सन जो है नीचे चला जाता है, लेकिन हमें कहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि हमें कौन सी लाइट रे दिखाई दी है, हमें ये वाली लाइट रे दिखाई दे रही है जो यहाँ जब सन इस पोजीशन पे था तो हमें जो लाइट रे आ रही थी वही दिखाई दी है हमें। ठीक है, ये वाली कब आएगी, जब 2 मिनट और हो जाएंगे तब हमें सन फिर यहाँ दिखाई देगा। तो यही आंसर इसमें लिखा है आपको, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसको यही इसमें लिखा हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, लिख लो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। 2012 और 15 दोनों में आया, फंक्शन बताना है, तो फंक्शन क्या होता है ओजोन लेयर का, ये एक तो अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, दूसरी बात हमारे जो अर्थ सरफेस होता है उसको जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में काम में आता है, वार्म रखता है ये। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती है, वार्म रखती है, जिस तरीके से एक गाड़ी को अगर आप धूप में खड़ी कर दोगे तो जो कांच के थ्रू जो सनलाइट अंदर जाती है तो वो ट्रैप हो जाती है, ठीक उसी तरह ओजोन लेयर भी यही काम करती है, जो जो सनलाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी इसमें। ठीक है स्टूडेंट, आगे बस समझें, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये बार बार रिपीट हुआ है, 2012 में भी आया, 15 में भी आया और 11 में भी आया, 11 12 15 में आया है। ठीक है, ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 24 दे रखी है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी
आपको यू जो है 16 सेंटीमीटर दे रखा है, पोजिशन और साइज एंड जो है नेचर ऑफ द इमेज बताना है आपको, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में 24 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट हमेशा यू डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो -16 लेंगे। वी और एच आई निकालना है, तो पहले फार्मूला लगाएंगे अपन, ये वाला 1/v - 1/u = 1/f, इससे अपन के पास वैल्यू आ जाएगी -48 सेंटीमीटर, ठीक है, -48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वी है वो जो है -48 सेंटीमीटर है, यानी 48 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा रहेगा लेंस के लेंस पे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन निकालना है, यानी m = v/u, तो अपन ने करा -48/16, यानी 3, ठीक है, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो m किसके इक्वल होता है, एच आई अपन एच ओ के इक्वल होता है, ठीक है। एच ओ की, एच ओ की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, एच आई की वैल्यू निकालनी है, एच आई की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यानी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितने था, 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितनी आई, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है नेगेटिव इमेज आई थी, नेगेटिव आई थी वैल्यू इमेज डिस्टेंस की, तो एनलार्ज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, खड़ी हुई इमेज बनेगी और एनलार्ज बनेगी, दिख ही रहा है, एनलार्ज तो बनेगी। यहाँ एच ओ 4 है, यहाँ एच आई जो है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिस्ट द टेबुलर फॉर्म टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड में डिफरेंस बताना है, 2012, 2013, 2015, 2017 और हो सकता है 2021 में भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इन दोनों में डिफरेंस बताना था। एक्वायर्ड ट्रेट डज नॉट ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स, ठीक है, ये जो है डीएनए में जो चेंज नहीं लाता है, ठीक है, और जो जो आने वाले जो जनरेशन होती है उसमें भी कोई ये जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पास नहीं करता है। कैन नॉट डायरेक्ट ओवुलेशन, ओवुलेशन भी डायरेक्ट नहीं होता है, जैसे कि एक्वायर्ड नॉलेज, जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं, या लॉस ऑफ वेट, वेट को लॉस करना, या खली बन जाना, ऐसा थोड़ी खली का जो आने वाली जनरेशन होगी वो सारी ही खली होंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट्स में ऐसा नहीं होता है, जबकि इनहेरिटेड्स जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जैसे कि कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ स्किन, ठीक है। आप देखते होंगे कि फॉरेनर्स के जो बेबी होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कई बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जैसे भी फॉरेनर्स होते हैं, अगर फॉरेनर अगर गोरे हैं तो वो बिल्कुल कलर जो होगा उनका गोरा होगा, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे अपन कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। तो ये हो गया अपने 17th वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके 12, 13, 15, 17 में आया हुआ है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द ब्रीफ 3 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन को आपको बताना है, एक्सप्लेन भी करना कॉन्ट्रासेप्शन को, लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है कि कैसे हम जो है प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बुक में से पढ़ लेना है। 4 मेथड यहाँ पे हैं, एक है मैकेनिकल और बैरियर मेथड, जिसमें हम कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करते हैं। दूसरा होता है हार्मोन जो है हार्मोनल प्रिपरेशन, जैसे हम कहते हैं ऑरल पिल्स वगैरह यूज़ करके, ठीक है। और थर्ड होता है हम कॉपर टी और या IUCT यूज़ करके। थर्ड होता है सर्जिकल मेथड, जिसमें हम ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी यूज़ जो है सर्जिकल करके हम यूज़ करते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट्स हैविंग 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसकी लार्जेस्ट होगी, 2012 में भी आया था, 2015 में भी आया था। सेकंड पूछा कि लेस रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो आपको बताना है ये वाला। तो जो होगा फर्स्ट का आंसर है एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा सोडियम की होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होती है लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो सोडियम की जो होगी एटॉमिक साइज होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद है आपके पास पूछा है कि लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, इनमें से लीस्ट रिएक्टिव होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। रीज़न क्या है, द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं अपन तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है कि उसकी जो है एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है 2011 2012 में पूछा गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, एडवांटेज ही पूछे गए हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जब कोई भी किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से हम जो है दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकें, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, है ना। इसका एग्जांपल भी है ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम में जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर जो है छोटे छोटे से पौधे जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं, फिर वो जब पत्ता टूट जाता है तो वो जो पौधे होते हैं वो अलग से अपना खुद का एक एक धीरे धीरे अपने पेड़ में चेंज हो जाते हैं या अपने प्लांट में चेंज हो जाते हैं, उसे अपन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और ये इसके एडवांटेज हैं, एडवांटेज आप पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके अगर नहीं है, आगे मैं जल्दी बढ़ रहा हूँ तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इथेनॉल के साथ। 2016 में भी आया था, 17 में भी आया था, ठीक है। तो ये है आपके पास CH3COH एथेनोइक एसिड, उसका सोडियम से साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3CONA बनेगा, यानी सोडियम एसीटेट बनेगा और H2 जो है गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके है इस साल सिलेबस में, ठीक है। CH3COH को अगर अपन NaOH के साथ करेंगे तो बनाएगा CH3COONA, सोडियम एथेनोएट, या इसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट ही कहेंगे, और H2O इसके अंदर बाहर निकलेगा। अगर अपन CH3COH को एथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल शायद आपके नहीं है इस साल सिलेबस में, लेकिन ये आया था क्वेश्चन तो मैं एक साथ ही बता रहा हूँ। C2H2OH, ठीक है। ये होता है हमारे पास इथेनॉल, इथेनॉल के जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो अपन बनेगा इथेल इथेनोएट, CH3COO C2H5 बनेगा, ठीक है, प्लस H2 बाहर निकलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, 22 में पूछा है लिस्ट टू रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस अमंग द प्रोगेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो रीज़न बताने हैं आपको, वेरिएशंस आने चाहिए, है ना। तो रीज़न क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमेट्स अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है, तो इसीलिए डिफरेंट इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से जो है वेरिएशंस आते हैं। दूसरा, क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स, ठीक है। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट बनता है जब भी फ्यूज़न होता है स्टूडेंट, ठीक है। फ्यूज़न क्या होता है, स्पर्म और ओवम का जो जो कॉम्बिनेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 2016-17 दोनों में आया है, मेंडल एक्सपेरिमेंट पूछा है, उससे पहले भी आया हुआ है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। जो कैसे प्रूव करोगे कि मेंडल्स जो इनहेरिटेड होते हैं ट्रेट्स, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें आपको पता है कि दो तरह के पी प्लांट लिए थे उन्होंने, एक लिया था रिंकल्ट और एक लिया था येलो कलर ग्रीन कलर, ठीक है, और एक लिया था राउंड शेप, ठीक है। तो जब इनके इनके रिजल्ट उन्होंने देखे तो 9:3:3:1 में आ रहे थे, आपको पता है ये, ठीक है। तो 9 जो थे वो अलग प्लांट थे, 3 अलग प्लांट थे, 3 अलग प्लांट थे और 1 अलग टाइप के प्लांट थे। तो ये जो इनसे हमें पता पड़ता है कि जो ट्रेट्स होते हैं इनहेरिटेड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना आंसर को। क्वेश्चन नंबर 24, लिस्ट फोर स्टेक होल्डर्स विच में बी हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फोर ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो 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 भी जो फॉरेस्ट होते हैं उसके आसपास रहते हैं, वही स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि लोकल पीपल लिविंग द विलेजेस नियर द फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट जो यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को न्यू मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एथनसेट्स जो वाइल्ड लाइफ और नेचर में रहने वाले लोग, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो भी स्टेक होल्डर ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन डिफाइन। ये 2007 और 13 में आया हुआ है, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो आपको सबको पता है, फर्टिलाइजेशन स्पर्म
और जब ओवम का जब फ्यूज़न होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस यहाँ पे है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें जो जो जाइगोट होता है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है और प्रोड्यूस होता है, और इंटरनल में जो जाइगोट होता है वो फीमेल जो होता है फीमेल के इंटरनल यानी अंदर की साइड प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है, ठीक है। पूछा है वो व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब है इसका आंसर, जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 13, 15 और 17 में आया है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। डीएनए कॉपिंग इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट एंड रिजल्टेंट एरर्स आर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर डीएनए कॉपी में अगर परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है और रिजल्टेंट एरर्स आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि वेरिएशंस चाहिए होते हैं हमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है डेवलप होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम बताना है, बैक्टीरियल और वायरल के अंदर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है गोनोरिया एंड वार्ट्स, और वायरल होता है एड्स और सिफिल्स, ठीक है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय हम कॉन्डम्स, सर्विकल कैप्स, डायफ्राम्स, कॉपर टी यूज़ करके हम इससे बच नहीं सॉरी डायफ्राम्स यूज़ करके हम इससे बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है स्टेट ऑम्स लॉ। ओम्स लॉ कितनी बार आया है? 2007, 11, 14, 15, 18, 19 और 2021 में भी आएगा ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में आप जानते हो कि ओम्स लॉ ने कहा था कि जो जो वोल्ट होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फिर उन्होंने यहाँ पे एक जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू ली थी जिससे हमने कहा था आर आर कहा होता है रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। यह था क्वेश्चन नंबर 28। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में डिफाइन ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ये बताते हैं बाय स्मेल, स्मेल करके ये बता सकते हैं अपन जिसको कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है या जो भी हमारे पास चीज़ है वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एसेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना है क्लोरीन और कैल्शियम का। स्टूडेंट इस क्लोरीन और कैल्शियम जो है कोई दूसरा भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जो है इस साल आ सकता है क्लोरीन और कैल्शियम का, ठीक है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम क्या होगा? क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2 और 8 और 7, तो इस तरीके से बनेगा ये डॉट डायग्राम बनेगा। कैल्शियम का ऐसे बनेगा 2 8 8 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कैल्शियम जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस पर जो जो सॉरी दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से शो करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो भी वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। किसको गेन करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा जिससे कि उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस आएगा। ये हो गए स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पूरे सुपर 30 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार 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 रिपीट हुए हैं। इनको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पॉज करके आप सर्च कर लो, देख लो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर से मतलब सही आपको लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्या लैंग्वेज में लिखूं या जो मुझे याद रहे, और अच्छे से एग्ज़ाम से तैयारी स्टार्ट कर दो क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। ओके ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।